मैं हूं आपके साथ मानसी राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इंदौर जिले के देपालपुर नगर में एक ही मोहल्ले के रहने वाले 23 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें एक ही परिवार के 13 लोग पॉजिटिव निकले। नगर में संक्रमण का आंकड़ा 27 तक पहुंच गया। देपालपुर SDM प्रतुल सिन्हा, तहसीलदार बजरंग बहादुर, स्वास्थ्य विभाग की टीम, नगर परिषद CMO एवं पुलिस विभाग के आला अधिकारी सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे एरिया को सील कर कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया। वहीं संक्रमितों को इंदौर रेफर किया गया, साथ ही संक्रमित परिवार के लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया। नगर परिषद द्वारा आसपास के एरिया में भी सैनिटाइजर किया जा रहा है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कॉन्टेक्ट सैंपलिंग ली जा रही है। आपको बता दें कि इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं, जिसके चलते देपालपुर, हाथोस, सावेर, गौतमपुरा और बेटमा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल है और प्रशासन की चिंताएं बढ़ी हुई है। और पूरे जो तहसील क्षेत्र है, बल्कि अगर कहें विकासखंड, संपूर्ण एरिया में हम लोग लगातार सर्वे की कार्रवाई करा रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता घर घर जा कर के लोगों से जानकारी ले रहे हैं। यदि किसी भी व्यक्ति में सर्दी खांसी के लक्षण बताए जाते हैं तो हम लोग उसकी सैंपलिंग करा रहे हैं। ऐसे ही सर्वे के दौरान 3 व्यक्ति मिले थे जिनको सर्दी खांसी की समस्या बताई गई थी, जिसकी सैंपलिंग हमने कराई थी और वो 3 व्यक्ति पॉजिटिव आए थे। उसके बाद उसी परिवार में हमने पूरे की सैंपलिंग कराई थी सभी लोगों की, और आज 23 लोग उनमें से पॉजिटिव आए हैं, जिनको आज हम लोगों ने हॉस्पिटलाइजेशन कराया है। आगे भी हम लोग सर्वे की कार्रवाई निरंतर कर रहे हैं, और यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव होता है तो उनके इलाज की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो 3 एक ही परिवार के व्यक्ति थे, उसी परिवार में 23 लोग और आए हैं।